क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, फिर एक बार प्रभु के पवित्र चरणों में हम आ चुके हैं। प्रभु ने हमें एकत्रित किया है, प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें अपनाया है। प्रभु चरणों में उपस्थित रहते इसी वक्त प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह हमारे लिए हम मांगे। सुबह से लेकर आज तक हम विशेष रूप से पवित्र पूजा के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। पवित्र परम प्रसाद के बारे में हमने सोचा है। 2000 साल पहले प्रभु ईसा मसीह जो पवित्र परम प्रसाद का स्थापना किया, उसी पवित्र परम प्रसाद पवित्र पूजा फिर एक बार आज हम करते वक्त, उसी पवित्र पूजा में भाग लेते वक्त, उसी पवित्र पूजा अर्पण करते वक्त प्रभु की कृपा हम पर वर्षाने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। हमारे लिए अपने शरीर तथा रक्त बांट कर हमारे साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र परम प्रसाद की स्थापना किए, प्रभु के साथ पवित्र पूजा अर्पण करते हुए, पवित्र पूजा के बारे में मनन चिंतन करते हुए तथा पवित्र परम प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ रहने की तथा प्रभु की कृपा दानों को अपनाने की कृपा हम मांगे और भक्ति भाव से आज के इस पवित्र पूजा विधि हम चढ़ाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अध श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न इस कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। But
तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पेज नंबर 118। प्रभु में तुझे खोज रहा, ऐसे
जिन्हें प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरे गले सिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रहे। हे सबके प्रभु तू ही सुजनहार सर्वदा। आमीन। वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। महिमामय शक्तिमान और अमरेश्वर तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 से लेकर 23 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दें। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर की धार्मिकता के अधीन करना चाहिए जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं जिनका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है
किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।